नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चूप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में नगर निगम में देखिए किस प्रकार बसपा पार्षदों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। वह बैंड बाजे लेकर पहुंचे नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर, उन्होंने बैंड बजाए और स्ट्रीट लाइट पर माला डालकर उसकी पूजा अर्चना भी की। बसपा पार्षदों का आरोप था कि नगर निगम द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा रही, इसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। नगर निगम में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे बसपा के पार्षद बैंड बाजा लेकर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर कुर्सी पर स्ट्रीट लाइट रखी और से माला भी चढ़ाई। विपक्ष के पार्षद दल के नेता सुहेल कुरैशी ने बताया कि वह नगर निगम सदन और अधिकारियों को लंबे समय से विपक्ष के पार्षदों के वार्ड की लाइट खराब होने की लगातार शिकायत कर रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, लाइटें ठीक नहीं की जा रही है, जबकि सत्ता पक्ष के पार्षदों को नई लाइट भी दी जा रही है। ऐसे में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जनता परेशान है। अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए उन्होंने बैंड बाजा लेकर प्रदर्शन किया है। नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सभी पार्षदों ने दिया है। वहीं बसपा पार्षद शेर सिंह ने बताया है कि दीपावली पर भी उनके वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होने से अंधेरा छाया रहा। क्षेत्र की जनता उनके पास आकर शिकायत करती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को समझाना चाहिए कि सभी पार्षद बराबर हैं। नगर निगम पार्टी से नहीं बल्कि अधिनियम से चलता है। अगर अधिकारियों ने भेदभाव खत्म नहीं किया तो आगे इस तरह के और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। तो जानते हैं यहाँ पहुंचे सभी नेताओं से किस प्रकार का ये आंदोलन है और क्या कुछ मांगे हैं। वहीं उन्होंने शहर में लाइट व्यवस्था दुरुस्त कराने की ये अनोखा प्रदर्शन किया है जो चर्चा का विषय बन चुका है। मैं नेता पार्षद दल विपक्ष नगर निगम सदन मोहम्मद सुहेल कुरैशी। ये नींद से जगाने के लिए किया गया है, जो नगर निगम के अधिकारी नींद से सोए हुए हैं कि ये जाग जाए, और ये कहीं ना कहीं जो है प्रदेश सरकार की जो आदेश है उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। और शहर में जो आम जनता को जो लाइट की सुविधा देने का नगर निगम अधिनियम में एक्ट में है उसके विपरीत जो कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध ये हमारा आंदोलन है। दूसरा, इनके यहाँ एक पार्शलिटी चल रही है कि बीजेपी के पार्षदों को कुछ और बसपा के पार्षदों को कुछ, ये नियम के विरुद्ध है, जबकि माननीय पार्षद सभी बराबर हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी के अधिकार बराबर के हैं। उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये कानून के विपरीत है, नियम के विपरीत है और सिद्धांत के विपरीत है। नगर निगम जो है अधिनियम के अनुसार चलेगा और अधिनियम में क्या है उस व्यवस्था को ये देखें, ये उस व्यवस्था को करने में अपूर्ण है। प्रकाश व्यवस्था जो है अभी तक हम 4-5 मरतबा चेतावनी लिखित रूप से दे चुके हैं, पार्षद दल पूरा, अलग अलग माननीय पार्षदों ने तमाम विषय पे अपनी प्रार्थना पत्र अपनी वेदनाएं दी है, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है। एक आम नागरिक की क्या सुनी जाती होगी जब माननीय पार्षदों के साथ ये व्यवहार है। तो हम ये चाहते हैं कि एक सुधार हो और इस सुधार के लिए आगरा की जनता को राहत मिल सके। आगरा की जनता के साथ ये सुतेला व्यवहार बिल्कुल खत्म करें। आगरा की जनता अब जाग चुकी है, आगरा की जनता सोई नहीं है। शेर सिंह प्रदर्शन कर रहे हो, लाइट भी लेकर आए हो, पूजा पाठ के लिए क्या है ये? नगर निगम से जो भी WESL और नगर निगम की लाइटें हैं, जो उन लाइटों को इतनी कंप्लेंट करते हैं सही कराने के लिए हम लोग तो, और दिवाली पर भी अंधेरा सा रहा है और हर हफ्ते का रोस्टर चेंज होता है नगर निगम से, हफ्ते के हफ्ते कंप्लीट काम नहीं हो पाता, जब तक किसी कंप्लेंटों पर 2-2 लाइटें सही करवा पाते हैं और नियम बना रखा है कि 12 बजे पहुंचते हैं, 12-1 बजे पहुंचते हैं और शाम को 4 बजे निकल लेते हैं, सही करते का नाम लेते हैं, हफ्ते के हफ्ते पहुंचते हैं, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है व्यवस्था। ये लाइट को हमने दीपक दिखाया कि इस तरीके भाई लाइट जलाओ कैसे भी करके, नगर निगम में आकर के नगराज जी को ज्ञापन दे रहे हैं इस चीज में और कोशिश करेंगे कि नगर निगम हमारी मांगों को पूरी करें और नगराज जी थोड़ा ध्यान में रखें। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।